हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पिक्सल ऐप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है, जैसे कि पीएलपी फाइल ऐड करना, पीएलपी फाइल सेव करना, पीएलपी फाइल शेयर करना, जो भी प्रॉब्लम है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर एक भी वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो ऐड हैं जो कि आप पहले से अपलोड है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको इस स्क्रीन पे बताने वाला हूँ, जो कि एक देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीन पे बताने वाला हूँ, जो कि टैब में है। बाकी सब पहले का जो भी है वो मोबाइल में था, ये टैब के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे ले चलते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आइएगा तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि एक चीज जो मैं इस वीडियो के बीच में कहीं भी बता सकता हूँ, अगर वो पार्ट आप मिस कर देते हैं तो आपको पीएलपी फाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है वो जिंदगी भर आता रहेगा, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, जब मेरे वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। अब स्क्रीन पे मान लीजिए मैं पिक्सल ऐप ओपन करता हूँ, पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद ये पिक्सल ऐप कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। इसको लेयर के सेक्शन में आकर इसको डिलीट कर लेते हैं, लेयर के सेक्शन में आने के बाद डिलीट कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए और यहाँ थ्री डॉट पे जो क्लिक है करते हैं, यहाँ पे इमेज साइज पे आइएगा, थंबनेल पे आने के बाद यहाँ पे YouTube का थंबनेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा, ठीक है। माल देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई मैं थंबनेल बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कि पीएलपी फाइल जो क्रिएट होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, सेव कैसे किया जाता है और कब कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक किसी भी प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक बताने के लिए मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इमेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा इमेज है, ये मान लीजिए मेरा थंबनेल है, ठीक है, ये थंबनेल है मेरा, ओके, ये थंबनेल है। मान लीजिए इसको मैंने किसी के पास शेयर करना है, ये मान लीजिए सेव करना है पीएलपी के तौर पे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेव एज आइएगा, सेव वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कर लीजिएगा, कोई भी एक ऑप्शन डाल लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी डाल लेता हूँ प्रोजेक्ट टू, ठीक है दोस्त। यहाँ पे देख लीजिए प्रोजेक्ट टू मैंने डाल लिया है और इसको यहाँ पे कर लेंगे सेव, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब सेव कर लीजिएगा ना दोस्तों, तो ये प्रोजेक्ट आपका सेव हुआ है सिर्फ। अब इसको पीएलपी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको चले आना है ये सबसे फर्स्ट वाले सेक्शन में, यहाँ पे, ठीक है दोस्त। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव का, ठीक है। सबसे ऊपर में सेव वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक, देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट टू यहाँ पे जो मैंने सेव किया था ये सेव हो गया है। अब इसको पीएलपी फाइल कैसे शेयर किया जाता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही आप शेयर करते हैं ना तो स्टोरेज इम्यूलेटेड 0 पिक्सल ऐप प्रोजेक्ट पीएलपी फाइल में आपका ये पीएलपी फाइल क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों आ जाइए यहाँ पे, आपको फाइल मैनेजर में लेकर चलते हैं, यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, रिसेंट में अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढना है जो कि है पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप को यहाँ पे ढूंढना है, पिक्सल ऐप जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप अपने मोबाइल में देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट टू, यहाँ पे देखिए पिक्सल ऐप में ये प्रोजेक्ट टू जो हमने अभी क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया है। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे किसी को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, कोई भी एप्लीकेशन से आप यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने यहाँ पिक्सल ऐप में वो कुछ कर पाए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मान लीजिए वो शेयर कर दिया है, ठीक है, आपने किसी को शेयर कर दिया है, अब उसको पिक्सल ऐप में कैसे लाना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब आ जाते हैं पिक्सल ऐप में, ठीक है, इस दोनों प्रोजेक्ट को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। लीजिए यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को डिलीट कर लिया और जो भी यहाँ पे सिस्टम थे सबको हटा लिया, बिल्कुल नया की तरह। अब यहाँ पे आके देख लीजिए ध्यान से आप, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पिक्सल ऐप में पीएलपी फाइल को ऐड कैसे किया जाता है, ओपन कैसे किया जाता है, नॉट शोइंग का जो प्रॉब्लम है वो कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा। अब आपको दोस्तों क्या करना होता है, सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे जो पिक्सल ऐप होता है ना ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करना होगा। वो कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। अभी मैं इसको इस पिक्सल ऐप को उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा जिस पिक्सल ऐप से मैं एडिट कर रहा हूँ, और इस पिक्सल ऐप को आप उस पहले वाले को डाउनलोड किए हैं जो उसको हटाना पड़ेगा दोस्तों, और उसके बाद इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा तो वहाँ पे पिक्सल ऐप ओपन करने का, पीएलपी फाइल ऐड करने का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे होगा। अब दोस्तों देखिए पीएलपी फाइल ऐड कैसे किया जाता है, आपने पीएलपी फाइल बनाना और पीएलपी फाइल शेयर करना तो सीख लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये ओपन पीएलपी फाइल, ठीक है दोस्तों। ओपन पीएलपी फाइल पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए करने के बाद आपको यहाँ पे कोई एक कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार क्या करना है,
बैक वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, एक बार बैक वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा फाइल ओपन हुआ है। तो मेरा फाइल कौन सा ओपन हुआ है, स्टोरेज इम्यूलेटेड 0 डाउनलोड। तो मेरे को डाउनलोड, अगर आपके यहाँ व्हाट्सएप से आया है तो व्हाट्सएप में जाना है, टेलीग्राम से आया है तो टेलीग्राम में जाना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे मेरे को, मैंने जो फाइल सेव किया था पिक्सल लैब में, तो पिक्सल लैब में देखिए यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा, जो भी आपको जहाँ भी आपका है पिक्सल लैब, बिटमेट, डॉक्यूमेंट्स, काइन मास्टर, जो भी आपको डाउनलोड है, डाउनलोड से भी आप कर सकते हैं। जहाँ आपका वो फाइल है उस बात का ध्यान रखना है कि वो डाउनलोड होने के बाद कहाँ वो चला गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं पिक्सल लैब ओपन कर रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों, मैंने जो फाइल सेव किया था, शेयर किया था, वो फाइल यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए आपका जहाँ भी फाइल का लोकेशन है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही फाइल पे क्लिक करूंगा, या मेरे देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक कीजिएगा तो लिख रहा है ओपन ओनली या ओपन एंड ऐड। देखिए दोस्तों, आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो ओपन ओनली कीजिएगा, या फिर प्रोजेक्ट में आप इसको एडिट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप ओपन एंड ऐड पे ही हरदम क्लिक कीजिएगा। हर बार आप ओपन एंड ऐड पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही वहाँ पे देखिए ये लिख रहा है लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा कुछ भी लॉस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए ये सब कुछ जो फाइल था यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखिए, इसमें से आप इजीली एडिट कर सकते हैं, लेयर पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से पिक्सल में PLP फाइल को ऐड किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी समस्या आ रही होगी सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको दोस्तों सॉल्व नहीं हुई है तो आप हमसे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट हमें टेलीग्राम पे वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पे आप हमें कमेंट करके बिल्कुल वहाँ पे चैट कर पूछ सकते हैं क्या समस्या आ रहा है। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। लेकिन जो मैं बीच में बात बताया हूँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंस था, आपने अगर मिस किया होगा तो आपको ये समस्या दूर नहीं होगा।